वेलकम टू सूर्य ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट इन ईजी वे। आज हम लोग जो है ह्यूमन हार्ट को बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, नहीं तो डायरेक्टली जो एग्जामिनर जो है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और उसकी लेबलिंग करने के लिए भी पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक वी बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को बस इसकी डबलिंग कर देनी है कुछ यहाँ से ऐसे, और ये डबलिंग आप लोग बस यहीं तक की करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर डबलिंग स्टार्ट कर दीजिए इसकी, और यहाँ पे क्या करिए एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोगों को दिखने लगा होगा कि हम लोगों का जो ओवरव्यू है वो आने लगा है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक हार्ट बनाना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इसको डबलिंग करनी है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बचपन में आप लोगों ने मैंगो की लीव बनाई होगी तो उस तरीके का यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर टाइप बनाना है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका पाइप हो गया, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक लीफ निकाल देनी है कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिख रहा होगा हम लोगों ने देखिए स्ट्रक्चर हार्ट का ओवरव्यू बना लिया है, और यहाँ से आप लोग क्या करिए इसको ऐसे बढ़ाइए, और इस पॉइंट से क्या करिए एक सर्कल ड्रॉ करिए, हाफ सर्कल ऐसे, और इसको ऐसे ले जाके जोड़ दीजिए। अब बस यहाँ पे एक लाइन खींचे, और यहाँ पे भी क्या बनाइए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से इस पाइप के पॉइंट से एक इस तरीके का बड़ा सर्कल बनाइए, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप लोगों को क्या करना है, नाउ यू हैव टू मेक अ वी इनसाइड दिस। आप लोगों को यहाँ पे दो वी बनाने हैं, एक वी यहाँ पे बनाना है और एक वी जो है यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को तीन लाइन बना देनी है, और यहाँ पे आप लोगों को दो लाइन बना देनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों का पाइप आ रहा था, ये पाइप था, तो ये पाइप यहाँ से भी तो आएगा, तो ये पाइप को यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए, तो ये आपका पाइप कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब आपको क्या करना है, अब आपको बस यहाँ पे एक पाइप बनाना है, दो पाइप यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। फिर एक पाइप यहाँ पे बना दीजिए। अभी स्टूडेंट्स हम लोग जो है डायग्राम को अच्छे तरीके से बना ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसकी लेबलिंग भी अच्छे से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है हार्ट के डायग्राम को बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से बना दिया है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है हार्ट के डायग्राम को बना लिया है, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसकी लेबलिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ राइट एट्रियम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा जो सेपरेशन होता है ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो वॉल्व हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे तीन वॉल्व हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारी क्या हो जाती हैं, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, दीज आर द ओनली वेन्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या होती है, दिस इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसीलिए आप लोगों को डायग्राम से ही बता दे रहा हूँ कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, दिस इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट
आर्टरी दैट इज कॉल्ड अर्टा, तो हमारी क्या हो जाती है, लार्जेस्ट आर्टरी हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, दिस इज द वेना कैवा, ये हमारी लार्जेस्ट वेन होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जो है अगर इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, आप लोगों को हार्ट के हर एक पार्ट की लेबलिंग के बारे में तो अच्छे से पता ही है, बट आप लोगों को उसके बारे में डिटेल से पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग देखिए, हम लोगों ने हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है और उसकी लेबलिंग भी कर दी है। तो यहाँ पर आप लोग बस ये लिख दीजिएगा दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। और इस तरीके से अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोग जो है 100% फुल मार्क्स गेन कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।